हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? तो भाई आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला, जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जबकि सभी मैंने सेट कर दिया है। अभी आप लोग देख सकते हैं, एक दो तीन, तीन को मैंने कंडेंसर पे सेट कर दिया है, और ये बचा है जिसको अभी मैं सेट करके आप लोग को दिखाऊंगा, जो कि तीन का सीरीज रहता है। ये वाला मेन रहता है भाई, यदि ये वाला जल जाता है तो आपका दो सेफ रहता है। तो आप लोग वीडियो में रहें, आप लोग को पता चल जाएगा। और ये रहा कंडेंसर जो कि मैं यूज करूँगा, जो कि हैवेल्स का है, और आप लोग भी अच्छे कंपनी का कंडेंसर यूज़ करें। और ये रहा आप लोग देख सकते हैं, जो कि ये 518 है, और 518 बहुत ही अच्छा होता है। मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ जो कि कंडेंसर पे, और इसका रिव्यू मैं भी दूंगा एक दो महीना यूज़ करने के बाद, आप लोग को बताऊँगा कैसा रहा रिस्पॉन्स। और तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं इसका कनेक्शन करके। और भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह रहा आप लोग देख सकते हैं 518, और ये वाला लगा के अभी आप लोग को इसका टेस्टिंग भी दिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं इसका कनेक्शन। ये वाला देख रहे हैं ब्लैक वाला, ये डायरेक्ट मशीन से आता है, जो कि तार जो आता है मशीन से उसमें लगेगा। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, मेन यही होता है, रेड से ब्लैक में आता है, क्योंकि मेन यही सेटिंग इसका रहता है, रेड से ब्लैक में आएगा। और ये वाला रेड देख रहे हैं, यहाँ से फिर ये ब्लैक में आएगा। उसके बाद अभी आप लोग को दिखा रहे हैं, क्योंकि देख लीजिए यहाँ लगाया जा रहा है, रेड से आ गया ब्लैक में, और फिर यहाँ से एक वायर और उठेगा, क्योंकि आप लोग देख लीजिए इस बार तो आप लोग बिल्कुल समझ ही जाएंगे, इतना क्लियर आप लोग को दिखा रहे हैं सब। और यहाँ से इंटर होएगा, उसके बाद यहाँ ब्लैक में आएगा, जो कि आप लोग देख लीजिए। उसके बाद जो रेड वाला बचता है, इसमें लगता है कंडेंसर, ये रहा भाई। इतना आप लोग देख लीजिए, जो मशीन से डायरेक्ट आता है ब्लैक वायर, ये डायरेक्ट मशीन में जाएगा, उसके बाद रेड से उठ के ब्लैक में, और फिर ये वाला रेड उठ के ब्लैक में जाएगा, और इस वाले रेड में कंडेंसर लगेगा। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, एक कंडेंसर का एक सिरा यहाँ पे लगा है, और एक में रेड वाला तार लगा है, जो कि ये डायरेक्ट मशीन में जाता है। तो चलिए आप लोग को इसमें लगा के दिखाते हैं। तो ये रहा भाई, आप लोग देख रहे हैं, ये मेन होता है, ये लग गया कंडेंसर, कंडेंसर लग गया, और इसमें लगेगा ये वाला वायर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। उससे पहले इस कंडेंसर, जो कंडेंसर है, जो कि आप लोग देख सकते हैं 2.5 वाला है, कैपेसिटर बोलते हैं पंखे में, ये सब लगता है, हैवेल्स का है। और यहाँ पे इसको टेप से या टाई से लगा देंगे। तो भाई आप लोग देख लीजिए, जो मैं टाई यूज करता था अभी फिलहाल ख़त्म हो गया है, क्योंकि तीन ही पीस हमारे पास था, और आप लोग देख लीजिए उसमें लगा हुआ है। और ये रहा मैं जो कि टेप से इसको लगा रहा हूँ, आप भी इसको एकदम फिक्स कर दीजिएगा, नहीं डीजे जब बजेगा तो आवाज़ बहुत बेकार करता है, क्योंकि इसी के अंदर लड़ता है, और ये लोहे का है तो आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग भी इसको एकदम अच्छे से कंडेंसर यहाँ लगाने के बाद, और देख लीजिए यहाँ पे एकदम अच्छे से इसको टेप उप लगा दीजिएगा। टेप लगाने के बाद मैं एक दूसरा टेप और यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फिक्स रहेगा, क्योंकि निकालने का काम हमेशा नहीं रहता है। तो आप लोग भी एकदम तेजी से एकदम अच्छे से पैक कर, क्योंकि हमेशा एक खोला नहीं जाता है। तो ये रहा भाई, हो गया, जो कि आप लोग देख लिए। तो मैंने इसको फिट कर दिया है एकदम इजीली, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ गया, इसमें मैंने तार लगा दिया है। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं, जो कि एकदम इजी कनेक्शन है। ये ब्लैक वाला ब्लैक में जाएगा, और रेड वाला रेड। जो हमारे भाई हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, अभी आप लोग वीडियो देख लीजिए, सेटिंग वाला जान जाएंगे आप लोग। और कुछ भाई हैं तो तुरंत पकड़ लेते हैं कैसे क्या किया जाता है। तो चलिए इसका कनेक्शन करके आप लोग को दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं, इसको एकदम इजीली रखाया जा रहा है, क्योंकि एक साथ दोनों रखना पड़ता है, और रखेंगे अच्छे से आप लोग भी। और मेरा जो है ये ट्यूटर का पेटी थोड़ा छोटा बन गया भाई, फिर भी एकदम इजीली बैठ जा रहा है। तो मेन कनेक्शन यही है भाई, क्योंकि आप लोग को कनेक्शन करके दिखा रहे हैं। अभी रेड वाला ये आ गया भाई, जो कि इस रेड में लगेगा, जो आप लोग देख रहे हैं डायरेक्ट मशीन से आता है, और ये वाला रेड इसमें लगेगा, और ये ब्लैक वाला इसमें लगेगा। तो चलिए आप लोग को लगा के दिखाते हैं। तो ये रहा भाई, आप लोग देख सकते हैं रेड वाला कनेक्शन रेड में हो रहा है, क्योंकि एकदम अच्छे से इसको कनेक्शन कर दीजिए, क्योंकि यही से चलता है पूरा ट्यूटर। और ये वाला आप लोग देख रहे हैं ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला डायरेक्ट लगेगा इसमें, और आप लोग देख सकते हैं ये रहा, जो कि अभी आप लोग को वीडियो पहले देखे होंगे, ये सीरीज वाला तार है, ये डायरेक्ट तार लगता है ब्लैक वाला, और ये डायरेक्ट कंडेंसर से आता है ये लगा, और इस पर हम लोग टेप लगा देते हैं, जिससे शॉर्ट वाट होने का संभावना ना रहे, क्योंकि लगन में जान ही रहे, एक भी ट्यूटर बंद हो जाएगा तो जान लीजिए कितना आवाज़ कम हो जाता है।
तो ये रहा भाई, फिट हो गया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एकदम अच्छे से फिट कर दिया हमने। और ऐसे ही सबका कनेक्शन किया जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वहाँ भी कैपेसिटर लगाया है और यहाँ भी पड़ा है सब। इसका कनेक्शन करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं इसका साउंड चेक, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी बजेगा क्योंकि मैंने बहुत लोगों को इसका सेटिंग करके दिया है और बहुत लोग बजा रहे हैं अभी तक। तो चलिए इसका आप लोग को साउंड चेक सुनाते हैं फिटिंग के बाद। भाई सबको फिट कर दिया, एकदम कस दिया है इजिली, और इसको चेक करते हैं जो कि 500 वाट से इसको लगाते हैं, उसके बाद चेक करके आप लोग को इसका रिव्यू देते हैं कंडेंसर से कैसा आवाज़ मिल रहा है। तो चलिए इसको चेक करते हैं जो कि 500 वाट से चेक करेंगे। ये रहा भाई ट्यूटर जो कि आप लोग देख सकते हैं, 12 ट्यूटर है जो कि कंडेंसर से है। और ये रहा अपना 701 जो कि आप लोग देख सकते हैं स्टेंजर कंपनी का 701, इसे चेक करते हैं। ये रहा NCS का साउंड। तो चलिए इसका वॉल्यूम देते हैं थोड़ा थोड़ा। बहुत ही ज़्यादा लाउड है भाई, क्योंकि जान रहे हैं आप लोग प्लेट की अपेक्षा कंडेंसर से बहुत ही तगड़ा बजता है ट्यूटर। और इसका वॉल्यूम मैंने 5 तक लेके गया था, बहुत ही अच्छा इसका क्वालिटी रहा, बहुत ही अच्छा इसका क्वालिटी रहा। चलिए आप लोग को दूसरा लगा के चेक कराते हैं। आज बहुत दिन बाद अपना कंपटीशन लगा के आप लोग को सुनाएंगे, आप लोग सुनिएगा उसका बताइएगा। बहुत ही ज्यादा लाउड है भाई, कंडेंसर से बहुत ही अच्छा बजता है। बहुत ही ज्यादा लाउड है क्योंकि बहुत ही अच्छे कंडेंसर में बज रहा है। यदि आप लोग को हमारा वीडियो देख के आप लोग ऐसे कंडेंसर लगाए हुए हैं तो आपका बहुत ही अच्छा बज रहा होगा जैसे हमारा बज रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।